तो भाई कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, बाकी के सारे काम भी निपट चुके। आज दशहरा है तो दशहरा की पूजा की थी, तो सवेरे खाना बन गया था, पूड़े बनाए थे, छोले चावल पूरी। और अब चलते हैं ऊपर, अपना थोड़ा सा काम करते हैं और जूते चप्पल भी साथ के साथ ऊपर ही लेकर चलते हैं। ऊपर वाली रैक में ना एक्स्ट्रा जूते चप्पल जितने भी है वे रख दूंगी, है रख भी रखे पहले जो नीचे आते रहे पहन कर जाते रहे कहीं कहीं, तो फिर से ना वहीं पर रख दूंगा, तो अपने वाले सुरक्षित रहे वहां ज्यादा। यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख देना चप्पल जूते तो निचले वाले गंदे हो जाए। फिर कपड़े चेंज कर लिए थे, फिर सारे कपड़े भीग गए थे कपड़े धोने में, कुछ पसीने में कुछ पानी में, और फिर गीले कपड़ों से ना पैरों में दर्द हुआ है मेरे। अब लेंगी मैं दवाई और समर सेल का ताजा पानी भर कर लाई, ठंडा ठंडा सा, थोड़ा थोड़ा करके पीऊंगी, थोड़ा सा नीचे पिया था क्योंकि एकदम से पी गया पेट अब हर से जा गया। चलो भाई अभी दवाई ले लेते हैं, सुबह की दवाई 11 बजे ले जा रही, फिर जो है रात के टाइम भी लेट ही हो जाऊँ। हमारे टाइम में तो फोन नहीं थे यार, इनके टाइम में फोन है, तीनों ने सिर जोड़ रखे है देखो चारों ने। नंदनिया आरुषी होगी थी अच्छा, पता क्या हुआ, मैंने इनको तो फोन ले लिया, वहाँ बैठ गई गर्मी में जाकर, बहुत देर होगी बुला तो मैं कहने लगी मगर चल जो धूप में खड़ी गर्मी, आज गर्मी बहुत है तुझे पता लग जाएगा गर्मी का, इलाई ना फिर बहुत मुश्किल से आई दाँट डपट कर रही। आरुषी फोन देखने से काम नहीं चलने का, मैं तो कह रही वो तो सजा रही किताब ला के रखी, मैं भी तो मत्था मार ले रही। हाँ, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे, जितना हमें था उतना भूल जाएंगे क्या, तुम 15 दिन में सब भूल गए, उन्हीं काम चलने का। इंग्लिश की एलर्ट भी करोगे वो भी फायदे में, और पेपर होंगे फिर दोबारा से पेपर होंगे, पर सोते ही नहीं मानते तो नहीं किसी की, पर बड़े रहने लगे सारे के सारे, देख कम दे दूसरे को। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7 बजे ही इतनी तेज़ धूप निकल जाती है, बहुत तेज़। 2 दिन से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई है जो महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पहले इतनी गर्मी हमने तो देखी नहीं भाई, अभी हो रही है इतनी गर्मी। और पहले पंखे की हवा से भी काम चल जाता, लेकिन अब तो 2 दिन से हम लोग एसी में लेट के भी कपड़ा नहीं ओढ़ते, बच्चे तक भी ऐसे ही पड़े रहते हैं सारे के सारे। तो बच्चों को मैंने जगा दिया है, मैंने कहा भाई सवेरा उठने की कोशिश कर लिया करो क्योंकि अभी स्कूल में भी जाना पड़ा करेगा, लेकिन बच्चे बड़ी मुश्किल से जगाए हैं। अभी बिस्तर वगैरह उठा दिए, यहाँ पर बेडशीट वगैरह झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि कमरे में जो है सारे के सारे एक जगह सोते हैं, रात के टाइम उत्पाद भी मचाते हैं काफी देर तक, यहाँ पे साफ सफाई कर देते हैं और फिर चलते हैं नीचे पूजा पाठ करेंगे ना। के भाई हम लोगों का चलान क्यों कटा था चंडीगढ़ में, वो इसलिए कटा था हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट पर चोटी लटकी हुई थी, पता नहीं भाई वो पीपन भैया ने चोटी गलत बांध रखी थी, तो वो पूरा नंबर जो है ऐसा ढक रहा था, ऐसे हवा में चोटी उस पर पूरे पे फैल जाती थी, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ नोटिस की। हमें पता नहीं था इस चीज़ का, नहीं तो हम उसे यहीं खोल कर छोड़ देते, हमें पता नहीं था, बाद में पता चला। लेकिन फिर जो है ट्रैफिक पुलिस ने उस चोटी को नीचे बंधवा कि आप नीचे बांधो या फिर शीशे की साइड में बांधो जहाँ पे खिड़की हो गए, तो फिर उन्होंने खुद ही नीचे बंधवाई थी, तो इसलिए कटा था। चलो भाई ये गलतियाँ हैं छोटी छोटी सी, इनके बारे में पता चल जाएगा। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, ये आ गया है। मैं 5 साल से अपना प्रॉपर काम कर रही हूँ, मैं किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, सबको पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे मम्मी पापा को पता है, मेरी मम्मी को पता है, मुझे 8-8 दिन हो जाते हैं वहाँ पे बात करते हुए। शाम के टाइम मैं काम करती हूँ फिर सो जाती हूँ, ऊपर से मेरी तबीयत खराब चल रही, दवाइयाँ चल रही मेरी, तो दवाइयाँ लेकर नींद ज़्यादा आती है। आज तो मैंने सवेरे उठ कर 5:30 बजे थोड़ा सा जो है घेर में घूम के भी आई, घूमने फिरने को बोला डॉक्टर ने कि वॉक किया करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो शाम के टाइम की, कई दिन से मेरी छूट रही है एक्सरसाइज, तो पैर ना ऐसे हो जाए सुबह के टाइम जैसे बेजान, जनन में जान भी नहीं है। तो प्रीति जब तो जाती है, प्रीति का वेट लॉस काफ़ी हो चुका है, 7-8 किलो तो प्रीति का हो गया होगा मुझे पता है, पहले मैंने भी कर लिया था अपना कम वजन, लेकिन अभी जो है मेरा बढ़ चुका है। इस बीच में हमने मिठाई विठाई खाई ना, तो चाय तो बिल्कुल मैंने छोड़ ही रखी, चाय तो मैं पीती नहीं। और अभी गुड्डू के पापा थे घेर में ही, टमाटर तोड़ के लाई थी मैं कच्चे, जो अब ना टमाटर खुद ही टूट टूट के नीचे गिर रहे, वो खराब होने लग रही है, तो मैं थोड़े से तोड़ लाई थी, फ्रिज में स्टोर कर दिया उन टमाटरों को, और चलते रहेंगे वो लाल होते रहेंगे, पकते रहेंगे खुद ही, थोड़े से तो लाल है अभी, सारे लाल नहीं है, कुछ बचे हुए हैं अभी टमाटर, अभी भी ऐसे हो जाएंगे 5-6 किलो। अपना बस यही डेली रूटीन आप सबके साथ में दिखाते रहते हैं, लेकिन जो थोड़े सी ज्वेलसी करते हैं वो कुछ भी बोल दे भाई आके यहाँ पे, मेरा डेली रूटीन वही होता है अपनी विलेज लाइफ दिखाना, और मैं वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं पूरा कंटेंट उसी का बनाती हूँ, ऐसे थोड़े ही ना पहले मैं शूट करके रख लूँगी और जिस दिन कहीं जाऊँगी तो आपको ना पता चले कि मैं घूमने के लिए चली गई और कंटेंट वही आ रहा मेरा गांव वाला ही, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी।
क्योंकि व्लॉगर की लाइफ होती है, जो वो अपनी लाइफ में कर रहा, रियल लाइफ में कर रहा, वही आपको दिखाएगा। तो हम लोग जाएंगे 25 तारीख में अपने मायके, और प्रीति का तो मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि प्रीति बीच में बच्चों को लेके जाएगी या नहीं, फिर अरविंद भैया की छुट्टियाँ भी खत्म हो जाएगी, तो उसी बीच में 2 दिन रहकर आएंगे बस, ज़्यादा नहीं भाई, गर्मी हो रही है, वे भी परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे। अपने घर में रहने की मतलब आदत पड़ी रहे इंसान को, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किसी भी तरीके से कम्फर्टेबल वो अपने घर में रहता है जहाँ पर उसे रहने की आदत है। क्योंकि बार बच्चों को घुमाने के लिए इसलिए नहीं गई क्योंकि हर एक जगह हिल एरिए में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, गर्मी वहाँ पे भी उतनी है जितनी हमारे यहाँ पे है। इससे अच्छा है अपने घर रहो, अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करो इसी तरीके से, सारे बहन भाई इकट्ठे हो रहे और बस खा रहे पी रहे मौज कर रहे भाई सारे के सारे। तो गर्मी का कितना बुरा हाल है ये तो आप सबको पता ही है, सब जगह ऐसी है, टेम्परेचर 45 कूद रहा है और बाहर निकलने का 9 बजे के बाद में बिल्कुल एकदम हिसाब किताब खराब ही है। और ऐसे में जो है ना लाइट और चली गई, मतलब घर की लाइट वैसे तो आ रही है सबकी, पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्शन हट गया भाई। स्टेबलाइजर के मैंने ये बटन घुमा घुमा के पूरे देख लिए, लेकिन देखो सुई डाउन करी गई। अब बिना बिजली के ऐसे में कैसे काम चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। कपड़े धोने वाले हाथ से रगड़ रहे हैं आज, और धूप देख सकते हैं आप। कहाँ से गए थे? इधर पीछे गए थे जहाँ हम बना रहे थे ना नाली में, हाँ। उनके घर घर ही ना आए। कोई नहीं रहते वहाँ पे, गेर गेर कोई नहीं था, कोई नहीं था वहाँ, बस एक बब्बे जी थे गर्मी से थोड़ा हा कर रहे हैं बचाओ। हाँ भाई कहाँ ना आया था तू ट्रेल पे, पूरा कुत्ता आ जा। और खाना बनना है यहाँ पर हमारे नए घर में, पूजा पाठ तो बाद में हो जाएगी, गर्मी उधर ज्यादा लगे। करना सीख गया, तेल तो लगा के नहीं आ सिर पे। अजी हाँ मार भी रहा था बदी, आजकल ज्यादा कर रहा। तुम तो बता दो जो अभी कह रही थी, वो कह रही थी पापा जी का हाथ टैग लग गया था, मैं करता नहीं रहता। नहीं और रोग का ही काट जा तन्न तो बस है, और जा लिया मेरे अच्छे सारो यहाँ से। इसे एक ऐसी दुआ था मेरे पापा को, छोटी मोटी अल्टो दुआ था कोई चला रहा नहीं, उल्टा तो पहले तो एसी की जरूरत है तेरे पापा को, एसी पापा वंडर हो रहा। स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, चला रहा हूँ सीट को मार जाओ भी। नहीं बिना सीट को ही चला रही हूँ, बिना सीट को ही चला रही हूँ। मैंने चूज करवाई थी यह गाड़ी, बता रहा हूँ पता नहीं चला अभी। और बर्थडे पे नहीं, और बर्थडे पे कैसा केक आओगे तेरे? क्या केक इतना बड़ा? खा लेगी? ओए भाई हद कर रही हो या तो, अनु कह रही मैंने तो चूज करी थी स्कॉर्पियो भी, ये देखो। अरे वो तेज मरना सुनील पापा जी तो कह दिया था, कह दिया हाँ? फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम कर दे अपने पापा का हत्तर एक एसी चूज कर दे, कोई सी कंपनी का बढ़िया सा। इसमें ये तो है एसी। अरे वहाँ भी तो चावे कमरे में भी, कमरे में जिसमें सोवे है अरविंद पापा। तो मट्ठन भी आ चुका है, छा भी आ चुकी है और रोटी बन चुकी है, और अब खाने वाले भी तैयार है। गिलास गाड़ी में है, पंगत भी बैठ चुके हैं और जिमाने वाले भी तैयार हैं। तो आज का लंच यहाँ से गैर में घरों तो ऐसा हो रहा भाई, सूर्य देवता ने अलंकरण कर रखे पूरे, कुछ लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ की, मतलब आग निकल रही लपटे ऐसी होगी। पंखा जाया था चिंजर घुमा के ऊपर आ गई,
कमाल हो गया। कोई फायदा नहीं है बताने का, वही करना पड़ेगा जो बंदा। यो जरा गर्मी में कम खावे, सांझ को खावे ठंड के टाइम। पहले तो अपनी ये डिस्पोजल प्लेट जो है सख्त पकड़ लो, हवा तेज चल रही है, ठीक है, और सिस्टम से बैठ जाओ, सिस्टम से बीच में बनाओ जगह, यहाँ पे थोड़ा सा आरुष और पीछे को हो जा, ऐसे राउंड में बैठ जाओ, और पतीली इधर को, आरुष ही कहाँ बैठ गई, तू उधर से ही तो आवेगा खाना। सब अपनी अपनी प्लेट बढ़ा दो भाई। क्या मिली, दो एक वापस कर दे। चलो 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 खा लो, जब ही तो कह रहा था मैं, एक घंटा हो गया जब तक, तो मैं नहीं खाता। मेरी प्लेट भाई ला, अरे दो आई थी तेरे पे, एक मेरी थी, इसने वापिस कर दी, चल आ जाएगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे हो गया बैठ, और ऐसे रख, इसे ऐसे नहीं उड़ानी है। लाओ भाई, थैंक यू सार्थक। आ जाओ बैठो, आप भी चप्पल वहीं उतार सको आप, बड़े पापा के पास जाओ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तो हाथ धोगा रगड़ रगड़े, मट्ठा और दे दियो ना, मट्ठा और दे दियो ना, मट्ठा इसमें पानी बोतल में है, और मट्ठा इसमें गिलास कम रह गए, जिसे कम लग रहा हो इसमें है ना, मैं गिर लो। पढ़ रही होगी गुड्डू तो ऊपर, अच्छा हाँ, पर कोई मुंह कर लेना आरुषि, तू भी इधर को कर रही हो, वो जो थाली में प्लेट में चिपका देंगे, ये पानी मेरा, रोटी भी इधर लो, हाँ ये प्लेट में चिपक जाएगा, पानी मैंने तो गिफ्ट रोटी पे लगा लिया, तो रोटी हाँ ले ले लो, कुछ माँ हूँ उसको जला ले, तू भी क्या मारे लग रहा, थोड़ा खाया हुआ सारा, हाँ इतनी गर्मी में कहाँ घूम रही तू, हैं रेस लगा रही है, तो ये तो नू कह रहा मैं तो इधर ही खेल लूंगा बच्चों के पास ही, ये जा नहीं रहा उधर, तू कहाँ घूम रही, हैं कठड़े को भगा रही थी।